Hello, good morning children. This is my sixth video of chemical kinetics. In this video, I am going to discuss zero order reaction. Zero order reaction. At first you know what is order of reaction. हम लास्ट वीडियो से यही डिस्कस करते आ रहे हैं जो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म रेज टू एक्सप्रेस द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर यही पावर अगर जीरो हो जाए इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर वन हो जाए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो लेट अस डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ए रिएक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर. ए रिएक्शन इज कॉल्ड zero order if rate of reaction does not depend upon concentration of any of the reactants. Any of the reactant. Any of the reactant. You can also write that a reaction is called zero order if rate of reaction is independent on या upon concentration of reactant. reactant के concentration पर depend नहीं करता है या reactant के concentration पर independent है. ये एक ही matter है दो तरह से explain करने का. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर of concentration of reactant इसको पहले लिख लिए. अब आगे चलो. लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन R is converted into P. R reactant है और P product है. So rate of reaction जिसको कि हम सिर्फ R लिखने वाले हैं R is directly proportional to कंसंट्रेशन ऑफ आर टू पावर जीरो. हम रेट ऑफ रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर जीरो. इसको मैं आपसे बिता और
k into concentration of r to power 0, ये होता है 1, ये हो गया k into 1, ये हो गया k into 1। और हम जानते हैं जो रेट को हम dr by dt से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टू हो गया k, k इज रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको अरेंज करते हैं माइनस डी आर इक्वल टू हो गया के डी टी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का मतलब है ये साइन हम यहां लगाएंगे और एक साइन हम यहां लगाएंगे। तो डी एक्स का होता है इंटीग्रेशन एक्स, सो डी आर का हो गया आर, इसको ऐसे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसके को कांस्टेंट टर्म को निकालिए और ये हो गया डी टी, डी टी तो डी टी का जो होता है कंसंट इंटीग्रेशन वो होता है टी के टी प्लस आई, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एंड व्हाट इज आर, आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। अब हम आय का वैल्यू निकालेंगे कब, व्हेन टी इक्वल टू जीरो देन आर इक्वल टू आर जीरो बोले या आर नॉट बोले, हियर दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, यू कैन से दिस इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इस वैल्यू को आप वन में आपको कीजिए तो आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, सो आई इज इक्वल टू आर नॉट, आई इज इक्वल टू आर नॉट। अब क्या करेंगे हम, इस आई के वैल्यू को आप यहां पर पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ आई इन एक्सप्रेशन फर्स्ट, तो ये कैसे चेंज करेगा देखते हैं इसको, ये हो गया आई, इक्वल टू माइनस के जी एंड प्लस प्लस आर नॉट, और दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यू कैन ऑल्सो अरेंज दिस एट के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, सो k इक्वल टू
called the integral form of rate constant of zero order reaction. अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ प्लॉट करने से पहले आप एक चीज और देख लीजिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है इसको हम देख चुके थे, जिसका रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, या अगर हम रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचे, अगर रेट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये हो गया रेट और ये हो गया कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचे, तो कंसंट्रेशन को चेंज होने से रेट चेंज नहीं हो रहा है। याद रखो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन यहां भी डिक्रीज करता है, लेकिन कंसंट्रेशन और रेट में जब ग्राफ खींचते हैं दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर रेट और टाइम बीच में ग्राफ खींचते हैं दिस इज अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इंडिकेट दैट ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन रेट डज नॉट चेंज। ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन रेट डज नॉट चेंज, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। इसको आप साइड में लिख लीजिए। अगर हम टी निकालना चाहेंगे तब क्या होगा? आर नॉट माइनस आर बाई के। इसको भी साइड में छोड़ दीजिए, इसका बाद में यूज करेंगे जब पास लाइन पर नहीं सकते। अब यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। ये हो गया वाई, ये हो गया एम, ये हो गया एक्स, ये हो गया सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड 11 में पढ़े हैं इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में। तो अगर y और x के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमको ग्राफ का नेचर किस टाइप का आता है? यहाँ पर y x नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको m का वैल्यू मिलता है माइनस के। हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। देखो इसको हमको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए एम इक्वल हो गया माइनस के और सी क्या हो गया, सी को बोलते हैं इंटरसेक्ट। अगर हम आर और थ्री के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ का हमको ये नेचर मिलता है और दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट आर नॉट। और ये जो एंगल है ये थीटा है, तो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन और टेन थीटा इक्वल टू माइनस के। स्लोप ऑफ द लाइन और टेन थीटा इज कॉल्ड टू माइनस के। अब इसके बाद हम जानने का कोशिश करेंगे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल ये होता है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया एट इसको हम बदल कर देते हैं।
the composition of gaseous ammonia at high pressure in presence of catalyst प्लेटिनम, ये अमोनिया हुआ, ये डिकम्पोज करता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर इसमें हम जानते हैं क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। पावर वन दिए तब तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ। एक्चुअली होता क्या है, तो एट लो प्रेशर दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर, बट एट हाई प्रेशर दिस रिएक्शन नॉट फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज जीरो ऑर्डर। पावर यहां पर हम जीरो लेंगे। एट हाई प्रेशर रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो प्लेटिनम सरफेस पर अमोनिया ये एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद अगर हम और अमोनिया डालेंगे तो और ज़्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं बनेगा, मतलब अमोनिया के कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन बोर सरफेस, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई ऑन गोल्ड सरफेस, ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये पढ़ रहे हैं। तो एच आई जब डिकम्पोज करेगा गोल्ड के प्रेजेंस में तो ये हाइड्रोजन बनेगा और आयोडीन बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से आप टू लगा दीजिएगा, ये होगा टू एच आई, ये बनेगा हाइड्रोजन एंड आयोडीन। यहाँ भी आर जो होगा के इनटू कंसंट्रेशन का पावर यहाँ भी जीरो होगी। सो आर इक्वल टू, सो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये एच आई के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, जितने टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट करके इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, द टाइम टेकन टू चेंज हाफ अमाउंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। ये क्या होगा, व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ देन आर इक्वल टू आर नॉट बाय टू, ये इसका हाफ हो गया। इस वैल्यू को आप इसमें आप पुट करेंगे आप, तब क्या होगा, टी हाफ इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाय टू, और बाय के तो आर नॉट माइनस आर नॉट बाय टू, या आर नॉट बाय टू होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, ये आर नॉट बाय टू हुआ, और नीचे में के है, इस के को आप यहां पर लगा दीजिए। तो अब हाफ लाइन का एक्सप्रेशन क्या हो गया, इसको बता रहे हैं तो हाफ लाइफ हो गया टी हाफ इक्वल टू आर नॉट बाय टू के इक्वल टू आर नॉट बाय टू के। अब वन बाय टू के तो कॉन्स्टेंट है, वन बाय टू के इज कॉन्स्टेंट, सो टी हाफ वन बाय टू के इज कॉन्स्टेंट, सो यू कैन से टी हाफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर हम टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे, टी हाफ और ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमको ग्राफ का नेचर हमको इस टाइप का है, द नेचर ऑफ ग्राफ विल कम दिस टाइप, सो स्लोप इक्वल टू वन बाई टू के, सो टी हाफ डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी हाफ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट टी हाफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। In this way, you can calculate the complete reaction, 1 by third of reaction completion,
यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम फॉर 1/3 ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। कैसे? यहां पर हम कर देंगे सी 1/3 तो हो जाएगा और इक्वल टू आर नॉट बाय थर्ड। अगर हम T1/4 कैलकुलेट करना चाहते हैं, T1/4 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो R इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट बाय 4। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एनी टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।